देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,981 नए मामले सामने हैं, जिसके बाद कुल मामले 3,40,53,773 हो गई हैं। पिछले 24 घंटे में 17,861 ठीक हुए हैं, जिसके बाद कुल ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 3,33,99,961 हो गई है। दिल्ली में मौजूदा वक्त में कोरोना संक्रमण फैलने जैसे कोई हालात नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली में कोरोना नियम उल्लंघन करने वालों का आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंच चुका है। इसमें सबसे अधिक कार्रवाई मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर की गई है। दूसरे नंबर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले लोग हैं। हिमाचल का किन्नौर देश का पहला जिला बन गया है जहां 18 से ऊपर की पूरी आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। यहां की 18 से ऊपर की 60,000 से ऊपर की आबादी पूरी तरह वैक्सीनेट हो चुकी है। जिले के डीएम ने बताया कि यहां 18 से ऊपर की आबादी के सभी लोगों को दोनों डोज दी जा चुकी है। अमेरिका ने विदेश से आने वाले यात्रियों को लेकर नए इंटरनेशनल ट्रैवल पॉलिसी की घोषणा की है, जिसके तहत केवल पूरी तरह से कोरोना का टीका लगा चुके लोगों को ही अमेरिका में एंट्री मिलेगी। विदेशी नागरिकों को बोर्डिंग के वक्त टीकाकरण का प्रूफ देना होगा। इसके अलावा फ्लाइट के 3 दिन के अंदर कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव प्रस्तुत करनी होगी। कोरोना वायरस कहां से और कैसे फैला यह पता लगाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 26 एक्सपर्ट्स का एक नई एडवाइजरी ग्रुप बनाया है। ये ग्रुप चीन में कोरोना के ओरिजिन की जांच करेगा। WHO की एक टीम ने इस साल की शुरुआत में चीन के वुहान शहर में 4 हफ्ते तक रुककर जांच की थी, लेकिन किसी पुख्ता नतीजे पर नहीं पहुंच पाई थी।